हाय गाइस, मैं निकल और आप देख रहे हैं बस रिटाई। गाइस, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पार्टीशन की घोस्ट इमेज कैसे बना सकते हैं। घोस्ट इमेज के बारे में मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था घोस्ट इमेज क्या है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। आप इस वीडियो को पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। घोस्ट इमेज एक बैकअप सॉल्यूशन है जिसमें होगा क्या, हम आपके सिस्टम की एक इमेज बना देंगे और इस इमेज से आपका फायदा क्या होगा। सपोज आप एक ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं कि आपका सिस्टम करप्ट हो रहा है, आपके सिस्टम पे वायरस का अटैक हो चुका है, या फिर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है या फिर जो भी डेटा आपके सिस्टम में है, जिस भी ड्राइव में है, वैसा कि वैसे कि आप इमेज क्रिएट कर लेते हैं और उस इमेज से अपना सिस्टम वापस से रिस्टोर भी कर पाते हैं। तो वो इमेज आप कैसे क्रिएट करेंगे ये प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और कैसे उस इमेज से आप अपना डेटा रिस्टोर करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सीखते हैं किस तरीके से हम अपने सिस्टम की घोस्ट इमेज क्रिएट करेंगे। यहाँ पे घोस्ट इमेज क्रिएट करने के लिए आपको नीड है सबसे पहले एक पेन ड्राइव की, ठीक है। इस पेन ड्राइव को हम बूटेबल बनाएंगे, इसके अंदर हम रखेंगे नॉर्टन घोस्ट टूल को जिसकी मदद से हम घोस्ट इमेज क्रिएट करेंगे। तो ये पेन ड्राइव का साइज कुछ भी हो सकता है, मिनिमम साइज आपका 100 MB भी होगा तब भी चलेगा, ठीक है। तो पेन ड्राइव के साइज का यहाँ पे कोई इशू नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ 5 से 6 MB का ही काम है, तो मिनिमम साइज कितना भी हो आपका कोई दिक्कत नहीं, जस्ट पेन ड्राइव आपकी ब्लैंक होनी चाहिए। तो मेरे पास तो ये 4 GB की पेन ड्राइव है, हम इसी का यूज लेंगे और इसको हम प्लग इन कर लेते हैं सबसे पहले एक बार। तो पेन ड्राइव मैंने यहाँ पे प्लग इन कर दी, ठीक है। तो पेन ड्राइव हमारी प्लग इन होगी, एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई पेन ड्राइव आ गई नहीं आ गई। इस पीसी में चल के हम देख लेते हैं भाई पेन ड्राइव हमारे सामने यहाँ पे आ गई है। पेन ड्राइव को आप प्लग इन करने के बाद एक बार फॉर्मेट कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेन ड्राइव को आप फाइल सिस्टम NTFS रखिएगा जब आप फॉर्मेट करें, ठीक है, क्योंकि जब हम इसको बूटेबल बनाएंगे तो FAT32 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कई बार नोटिस किया है कि अगर यहाँ पे पेन ड्राइव का फाइल सिस्टम NTFS नहीं होता, FAT32 होता है, तो आपके पास बाद में एरर आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे NTFS रखेंगे, बाकी आपको कुछ नहीं करना, क्विक फॉर्मेट कर देंगे, ठीक है, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपकी पेन ड्राइव यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गई है और इसको हम क्लोज कर देते हैं, यानी कि पेन ड्राइव में हमारे कुछ भी नहीं है और उसका फाइल सिस्टम अभी NTFS है, ठीक है, जिसको हम FAT32 में अभी टूल की मदद से कन्वर्ट करेंगे। तो इसको तो हम कर देते हैं क्लोज। यहां पर आप पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने के बाद आपको दो टूल की नीड है, ठीक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दोनों टूल मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन पे, एक का नाम है फॉर्मेट USB जिसका यूज हम लेंगे अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए और बूटेबल बनाने के लिए, और दूसरा टूल है यहाँ पे USB बूट नॉर्टन घोस्ट। तो यहाँ पे ये दोनों जो टूल हैं आप डाउनलोड कर लेंगे मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, दोनों टूल्स का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोनों टूल अपने ही क्लाउड स्टोरेज पर मैंने स्टोर कर रखे हैं जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको मिलेगा फॉर्मेट टूल, फॉर्मेट USB टूल, आप डाउनलोड कर लेंगे लिंक से, देन आपको दूसरा टूल मिलेगा USB बूट नॉर्टन घोस्ट, और आप डाउनलोड कर लेंगे लिंक से, दोनों टूल डाउनलोड कर लेंगे। बहुत बड़े टूल नहीं है इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक टूल है आपका मात्र आप देख सकते हैं 365 KB का, और दूसरा टूल है मात्र आपका 2.40 MB का, यानी कि लगभग 3 MB में आपका पूरा काम हो जाएगा यहाँ पे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। इनको आप डाउनलोड करने के बाद जहाँ पे भी डाउनलोड हो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस तरीके से फोल्डर आपके बन जाएंगे। हम चलते हैं सबसे पहले फॉर्मेट USB टूल में, इसको हमने ओपन करा, इसमें जाने के बाद आपको मिलेगा फॉर्मेट USB फोल्डर, देन इसमें आपको एक टूल मिलेगा फॉर्मेट टूल, ठीक है। मैं थोड़ा सा आइकन इसका बड़ा कर देता हूँ, आप देख सकते हैं formattool.exe। अगर आपका एंटीवायरस यहाँ पे नाटक करे कि नहीं भैया ये तो वायरस है इसको हटाओ, तो आप थोड़ी देर के लिए अपने एंटीवायरस को शांत कर दीजिएगा जिससे कि वो बार बार आपको परेशान ना करे, क्योंकि कुछ एंटीवायरस की आदत होती है वो हर exe फाइल को वायरस समझते हैं, तो आप उसको थोड़ी देर शांत कर दीजिए अगर वो आपको परेशान करे तो, ठीक है, क्योंकि ये वायरस तो है नहीं, हम जस्ट इसका यूज लेंगे अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए। तो इस टूल को आपको रन करना है। आप रन कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे। ये टूल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करने पे ही रन होगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज के साथ ये टूल रन होता है, ठीक है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इंटरफेस, एक विंडो ओपन हो गई है, जेम्स फॉर्मेट टूल यहाँ पे लिखा रहा है, देन डिवाइस यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपकी पेन ड्राइव ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल पेन ड्राइव भी है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी वो पेन ड्राइव जो फॉर्मेट आपने की है NTFS फाइल सिस्टम के साथ, ठीक है, और जिसको आपने इस उद्देश्य से प्लग इन किया है कि नहीं भैया मैं इसको बूटेबल बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है, ऐसा नहीं कि आप कोई और फॉर्मेट कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करनी है, देन यहाँ पे फाइल सिस्टम NTFS आ रहा है अभी, आप इसको FAT32 कर देंगे, हम यहाँ पे FAT32 फाइल सिस्टम का यूज लेंगे।
ओके, वॉल्यूम लेबल आप यहाँ पे ब्लैंक रहने देंगे, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा फॉर्मेट डिवाइस का, इसको चेक करेंगे, देन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आएगा क्रिएट अ डॉस स्टार्टअप डिस्क, ठीक है, तो हम इस पे भी चेक कर देंगे। और यहाँ पे आपके पास नीचे एक फाइल सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं यूजिंग डॉस सिस्टम फाइल्स लोकेटेड एट, डॉस सिस्टम फाइल्स को लोकेट करना है। लोकेट कहाँ से करेंगे, मैंने आपको दो टूल यहाँ पर डाउनलोड करवाए हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, जो दूसरा टूल है आप देख सकते हैं उसका जो फोल्डर का नाम है वो है यूएसबी बूट नॉर्टन घोस्ट। आपको इस फोल्डर में जाना है, इस फोल्डर में जाने के बाद बूट नॉर्टन घोस्ट आएगा और यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं, हमें इन फाइल्स का यूज लेना है। कैसे लेना है बताता हूँ मैं आपको। हम आ गए वापस से जेम्स फॉर्मेट टूल में, यहाँ पर आपके पास ये बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोल्डर को देखने के लिए एक विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप जाएंगे डेस्कटॉप पे। मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप पे फोल्डर, इसलिए मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, आपका आपका डाउनलोड्स में हो तो आप डाउनलोड्स में जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर होगा आपको वहाँ से लोकेट करना, ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं गया यहाँ पे यूएसबी बूट नॉर्टन घोस्ट फोल्डर में, देन यहाँ पे बूट नॉर्टन घोस्ट और उसमें बूट फोल्डर है, ठीक है, जो मेरा जो मैंने आपको यहाँ पे फोल्डर दिखाया डेस्कटॉप पे, उसमें आपको इस तरीके से जाना और उसमें से बूट फोल्डर आपको सिलेक्ट कर देना है, ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास फॉर्मेट टूल एक वार्निंग देगा कि भैया आपकी पेन ड्राइव ऐसा करने से फॉर्मेट हो जाएगी, सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, क्या करना चाहते हो, हाँ या ना, तो आप हाँ कर देंगे क्योंकि हम तो कर ही ये काम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अब एक एरर आ गया, डिवाइस मीडिया इज राइट प्रोटेक्टेड, तो आप इसको ओके कर देंगे, ठीक है, आप उसको इग्नोर करेंगे और वापस से स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे करा, तो आपका यहाँ पे ये जो टूल है वो रन हो जाएगा और फॉर्मेट कर देगा, ठीक है। तो फॉर्मेट टूल ओके हो गया और आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल हो गई है, ठीक है। तो हो सकता है आपके पास फर्स्ट टाइम एरर आए इस तरीके से कि डिवाइस आपकी राइट प्रोटेक्टेड है तो वो आपको फॉर्मेट ना करने दे, लेकिन आप उसको इग्नोर करके वापस से स्टार्ट करेंगे, दूसरी बार भी ना हो तो तीसरी बार करेंगे फिर हो जाएगा, क्योंकि ये टूल आपके पेन ड्राइव को रीड करने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है क्योंकि आपने देखा था यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गई है, हम इसको क्लोज कर देंगे। दोस्तों पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के बाद आपको यहाँ पर एक फोल्डर जो मैंने आपको डाउनलोड करवाया है, यहाँ पे जो टूल यहाँ पे डाउनलोड करवाया उसका नाम है यूएसबी बूट नॉर्टन घोस्ट, आपको इसको ओपन करना है, देन इसके अंदर फोल्डर मिलेगा बूट नॉर्टन घोस्ट, इसको ओपन करना और यहाँ पे कुछ फाइल मिलेगी, आपको ये सभी फाइलें पेन ड्राइव में कॉपी कर देनी है, ठीक है। तो मैंने राइट क्लिक करके इनको कॉपी किया और यहाँ पर हम इस पेन ड्राइव में अपनी पेन ड्राइव में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो टूल है वो पेन ड्राइव में आ जाएगा और जब आप बूट करेंगे अपने सिस्टम को तो यहाँ पर ये टूल रन हो पाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना है, ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद आपको बूट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना सिस्टम रीस्टार्ट करता हूँ, पावर बटन पे गया और यहाँ पे रीस्टार्ट में इसको कर देता हूँ, ओके। तो आप देख सकते हैं मेरा सिस्टम यहाँ पे रीस्टार्ट हो रहा है। रीस्टार्ट होने के बाद बूट स्क्रीन पे आपको अपने बूट मेन्यू, जिस ऑप्शन से आप बूट मेन्यू में जाते हैं उस ऑप्शन को दबाएंगे, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग बटन होता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, पॉज बटन दबा के देख सकते हैं कि नीचे कौन सी की आ रही है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक बार स्क्रीन आती है तो आपको नहीं पता चलता कि किस स्क्रीन में जाते हैं। कुछ लैपटॉप्स में F2 होता है, कुछ लैपटॉप्स में डिलीट होता है, कुछ में F11, जैसे मेरे केस में F11, मैं F11 दबा के बूट मेन्यू में जा सकता हूँ जिसमें मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि भैया किस ड्राइव से यहाँ पे बूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप F11 दबाएंगे या फिर जो भी आपकी डेडिकेटेड की होगी आप उसको दबाएंगे, ठीक है। तो ये आपको चेक करना होगा जिससे कि आप बूट मेन्यू में जा पाएं। तो मैं यहाँ पे की दबा के बूट मेन्यू में एंटर करता हूँ, यहाँ पे मेरे सामने एक विंडो आ गई है, आप देख सकते हैं प्लीज सिलेक्ट बूट डिवाइस की, ठीक है। यहाँ से मैं बूट डिवाइस अपनी सिलेक्ट कर लूंगा, मैं अपनी पेन ड्राइव यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क वगैरह या फिर जो भी बूट डिवाइसेज हैं वो सभी आएंगी। तो यहाँ से आपको अपनी पेन ड्राइव सिलेक्ट करनी है इस तरीके से जैसे मैंने आपको सिलेक्ट करी, ठीक है। कैमरा से रिकॉर्डिंग करी है इसलिए थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेस मैं आपको शो कर रहा हूँ वो आपको क्लियरली शो हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जैसे ही आपने पेन ड्राइव बूट करी तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आपका लोड होकर आ गया है जिसपे ऊपर नाम लिखा रहा है सीमेंटेक घोस्ट, ठीक है, 11.5, ठीक है। इस टूल का यूज लेंगे, शुरू में लोडिंग होगी, लोडिंग होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, अबाउट सीमेंटेक के बारे में आपको बता रहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे आपके पास एक साइड में मेन्यू ओपन हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में जिसमें सबसे ऊपर लिखा आ रहा होगा लोकल, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल पे जब आप टैप करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, डिस्क, पार्टीशन और चेक, ठीक है। अगर आप पूरी डिस्क का आप इमेज बनाएंगे तो आप डिस्क का यूज लेंगे, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टीशन का इमेज यहाँ पे बनाएंगे तो हम पार्टीशन यूज लेंगे। तो पार्टीशन पे जैसे ही मैं अपना माउस कर्सर ले जाता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास तीन ऑप्शन आते हैं, टू पार्टीशन, टू इमेज या फिर फ्रॉम इमेज।
ठीक है, तो हम यहाँ पे टू इमेज, क्योंकि पार्टीशन को हम इमेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, टू इमेज पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, सिलेक्ट लोकल सोर्स ड्राइव बाय क्लिकिंग ऑन द ड्राइव नंबर। ठीक है, यानी कि आपको सोर्स ड्राइव आपको सिलेक्ट करनी है, यानी कि जिसकी आपको इमेज क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी हार्ड ड्राइव है आपके सिस्टम में, वो आपको शो करेगा। अगर आपके सिस्टम में एक हार्ड ड्राइव है तो यहाँ पे आपको एक ही शो करेगा, अगर आपके सिस्टम में दो हार्ड ड्राइव है तो आपको दो शो करेगा, ठीक है, तीन है तो तीन शो करेगा, इनफैक्ट आपकी जो पेन ड्राइव है वो भी आपको शो करेगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो पहला लोकल आ रहा है 3854 MB इसका साइज है, ये मेरी पेन ड्राइव है। दूसरा जो आ रहा है ये मेरी 120, यहाँ पे जो साइज शो कर रहा है 122/104 MB शो कर रहा है, ये मेरी 128 GB की SSD है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तीसरा आप देख सकते हैं 953869, ठीक है, ये मेरी 1 TB की हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस ड्राइव में इंस्टॉल्ड है, मेरी सारी सेटिंग, सारी एप्लीकेशन, सारे सॉफ्टवेयर इस ड्राइव में इंस्टॉल्ड है, मुझे इसका बैकअप चाहिए, इसलिए कि कल को फ्यूचर में कोई दिक्कत आ जाए तो मैं इसको रिस्टोर करके वापस से अपने सिस्टम की सारी सेटिंग्स के साथ उसको यूज कर पाऊँ। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जिस समय आप इस इमेज को क्रिएट कर रहे हैं उस समय का सारा डेटा आप रिकवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस इमेज को क्रिएट करने के बाद आप कुछ और एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करी या फिर और कुछ डेटा आपने डाल लिया, उसको आप रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस इमेज को क्रिएट करने से पहले आपके उस ड्राइव में जो भी डेटा है आप उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, बेनिफिशियल है क्योंकि कई बार नीड पड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं अपनी उस ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दो नंबर की मेरी ड्राइव कहती है कि भैया SSD है, आपको अनुमान लगाना होगा अपने साइज को देखते हुए। ठीक है, अपनी हार्ड ड्राइव के साइज को देखते हुए तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे ओके बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी उस हार्ड ड्राइव में कितने पार्टीशन हैं आपको ये शो करेगा। ठीक है, मेरे जो हार्ड ड्राइव है वो 128 GB की है जो SSD में यूज कर रहा हूँ, उसमें कोई अलग से पार्टीशन नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टीशन है। आप देख सकते हैं NTFS पार्टीशन है जिसका टोटल साइज मुझे ये नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी सब ये EFI सिस्टम, कैशे मेमोरी वगैरह के लिए पार्टीशन होता है, उन पे आपको ध्यान नहीं देना। ठीक है, जो भी आपके मेन पार्टीशन है जिनमें विंडोज इंस्टॉल्ड है आपको वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दो ही चीजें मुझे नजर आ रही हैं, एक तो EFI सिस्टम जिसका कोई नाम नहीं है, दूसरा NTFS सिस्टम जो मेरी एक्चुअल में जो पार्टीशन है वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी पार्टीशन की हमें इमेज बनानी है। हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे मल्टीपल पार्टीशन हो, 3-4-5 पार्टीशन हो, तो यहाँ पे क्योंकि हमने पार्टीशन को इमेज में क्रिएट करना है तो हमें यहाँ पे पार्टीशन ही सिलेक्ट करना हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिस्क को इमेज में क्रिएट कर रहे होते तो हम पूरी की पूरी हार्ड डिस्क को इमेज में कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पार्टीशन अपना सिलेक्ट करना है। तो मेरा पार्टीशन कहता है कि भैया यही एक सिंगल पार्टीशन है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। आपको अगर आपके एक हार्ड ड्राइव में 4 पार्टीशन है तो आप अपना वो पार्टीशन सेलेक्ट करेंगे जिसमें विंडोज इंस्टॉल्ड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके किया। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है द फॉलोइंग ड्राइव वर नॉट अनमाउंटेड क्लीनली। ठीक है, आप इसको नो कर देंगे क्योंकि हमारे जो ड्राइव्स हैं वो पहले से माउंटेड है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आप जो इमेज क्रिएट करोगे उसको कहाँ पर क्रिएट करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे जो होस्ट इमेज क्रिएट करें आप उसको एक्सटर्नल ड्राइव में क्रिएट करें। ठीक है, हालांकि आप उसको अपनी उसी हार्ड डिस्क के दूसरे पार्टीशन में भी सेव कर सकते हैं, जस्ट आपके पास स्पेस होना चाहिए। ठीक है, कितना स्पेस होना चाहिए, जैसे सपोज आपका जो पार्टीशन की आप घोस्ट इमेज बना रहे हैं उसका जो अगर साइज 120 GB का है उसमें से आप 70-80 GB का आपने जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर रखा है, तो 70-80 GB का ही आप स्पेस दूसरे पार्टीशन में अवेलेबल रखें या फिर एक्सटर्नल ड्राइव में अवेलेबल रखें। 70-80 GB का जो स्पेस रहेगा आपका उसकी जो घोस्ट इमेज बनेगी वो 50-60 GB की बनेगी क्योंकि कंप्रेस्ड इमेज यहाँ पे बनेगी। ठीक है, फिर भी आपकी फाइल्स पे डिपेंड करता है, अगर वीडियो फाइल्स हैं या फिर कुछ ज़्यादा फाइल्स हैं और उनको कंप्रेस करने में हो सकता है कि उतना इफेक्टिव ना हो साइज, तो इसलिए आप जितना साइज का आपका स्टोरेज है आप उतना साइज के बैकअप के लिए अलग से स्पेस रखेंगे, या तो दूसरे पार्टीशन में या फिर दूसरी ड्राइव में। ठीक है, और वो ड्राइव आपकी प्लग इन होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास तो कोई एक्सटर्नल ड्राइव है नहीं। ठीक है, मेरे सिस्टम में लगी हुई है इस वक्त 2 हार्ड डिस्क, एक 1 TB की हार्ड डिस्क है और दूसरी 128 GB की SSD है, और मुझे 128 GB वाली SSD का घोस्ट इमेज हमें क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं तो जो मेरी 1 TB की हार्ड ड्राइव है उसके एक पार्टीशन में मेरे पास स्पेस अवेलेबल है, उस पार्टीशन को मैं सिलेक्ट कर दूंगा और वहां पर मेरी जो इमेज है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप लुक इन करेंगे और यहाँ पे आप अपनी वो जो ड्राइव है
वो जो ड्राइव है, जो पार्टीशन है, आप उसको लोकेट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 3.3 NTFS ड्राइव पे। आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि आपकी ड्राइव में कुछ फोल्डर्स वगैरह तो होंगे, उस पर क्लिक करके आप अपने फोल्डर से पहचान जाएंगे कि भैया ये मेरी वो ड्राइव है जिसमें मुझे घोस्ट इमेज क्रिएट करनी है। ठीक है, तो मैं 3.3 पे क्लिक करता हूँ और इस पर मैंने जब क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ जो फोल्डर्स हैं उन्हें देख के मुझे ये पता लग गया है कि ये मेरा वो पार्टीशन है जिसमें स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें मैं घोस्ट इमेज यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, नीचे आपके पास फाइल नेम आ रहा है, आपको अपनी घोस्ट इमेज का यहाँ पे नेम असाइन करना है। ठीक है, आप कुछ भी नेम यहाँ पे रख सकते हैं अपनी घोस्ट इमेज का, जिसका एक्सटेंशन नीचे रहेगा .gho। ठीक है, तो नेम आप पे डिपेंड करता है, जस्ट आप यहाँ पे कुछ भी नेम रख देंगे। मैं यहाँ पे नेम रखता हूँ बैकअप। ठीक है, बैकअप .gho की यहाँ पे फाइल बनेगी और बैकअप नाम रखने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपसे कह भी रहा है कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है तो आप कंप्रेशन का यूज ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे फास्ट पे क्लिक करेंगे। फास्ट कंप्रेशन होगा, आपके इमेज को जल्दी बनाने की कोशिश करेगा। हालांकि यहाँ पे देखा गया है जितना बड़ा आपका सी ड्राइव या फिर जिस पार्टीशन की आप इमेज बना रहे हैं जितना बड़ा साइज होगा उस हिसाब से टाइम लग सकता है। ठीक है, तो वन टाइम प्रोसेस है, आप टाइम दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार इस घोस्ट इमेज को बना लेंगे तो इन फ्यूचर कभी भी कोई दिक्कत आती है तो अपना सिस्टम रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फास्ट पे क्लिक किया। फास्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास कंटिन्यू के लिए ऑप्शन आएगा, प्रोसेस विद पार्टीशन इमेज क्रिएशन। आप यस पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रोसेस स्टार्ट होगा। 0 से लेके 100% तक ये आपका पूरा प्रोसेस जितना भी टाइम लेगा वो लेगा। ठीक है, मेरे केस में पूरे 110 GB के जो 110 GB के डेटा को कंप्रेस करने में, 110 GB के डेटा की इमेज बनाने में इसने लगभग 50 to 55 minutes का टाइम लिया मेरे केस में। आपके केस में डिपेंड करता है कि आपका साइज कितना है। ठीक है, आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की घोस्ट इमेज यहाँ पे बना रहे हैं। तो कुल मिला के आराम से आप इस प्रोसेस को रन करके आराम से टहल के आ सकते हैं, खाना वाना खा के आराम से मस्ती करके एक नींद भी निकाल के आ सकते हैं, तब तक ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट आपका ये प्रोसेस रन होते रहना चाहिए। इस बीच में अगर इस प्रोसेस को रन करते समय अगर बीच में लाइट वगैरह चले जाती है तो आपको इस प्रोसेस को वापस से इस प्रोसेस से ही रन करना होगा। बूटेबल पेन ड्राइव आपकी क्रिएटेड है, आपको वापस से इस प्रोसेस को रन करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे क्लोन कंप्लीट लिखा आ जाएगा, क्लोन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद वापस से आप उसी पहली विंडो पे आ जाएंगे जो आपकी सिमेंटेक घोस्ट की फर्स्ट विंडो थी। यहाँ पर आप अपने सिस्टम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल डिलीट दबा के वापस से अपना सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट पावर बटन दबा के अपना सिस्टम रिस्टार्ट कर सकते हैं। सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा, जैसा पहले था वैसा का वैसा रहेगा, कुछ उसमें चेंजेस नहीं है। जस्ट यहाँ पे एक इमेज क्रिएट हो जाएगी जहाँ पर आपने लोकेट किया था। जैसे कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं गया अपने दिस पीसी में और मैंने इसमें इमेज क्रिएट करी है ई ड्राइव में, और यहाँ पे एक इमेज आप देखेंगे backup.gho, यहाँ पे backup.gho की फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी। ये हमारी घोस्ट इमेज है और इसी से मैं अपने सिस्टम को आज जैसी स्टेट में है वैसे का वैसे मैं रिकवर करके बताऊंगा। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप देख सकते हैं जो मेरी सी ड्राइव है, अगर मैं सी ड्राइव को देखूं यहाँ पर, तो सी ड्राइव का जो मेरा टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस है वो नियर अबाउट मेरा मैं इसको प्रॉपर्टीज में जाके आपको दिखाई देता हूँ, 105 GB के समथिंग यूज्ड स्पेस है। और 105 GB की यहाँ पे जो घोस्ट इमेज बनी है वो 69 GB के समथिंग की बनी है, यानी कि कंप्रेस्ड इमेज बनी है। लगभग 30-40 GB कंप्रेस कर दिया घोस्ट इमेज सॉफ्टवेयर ने। अब इससे हम वापस से रिकवर कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो वीडियो है, क्योंकि आपने घोस्ट इमेज तो बना ही ली है लेकिन आप इससे रिस्टोर कैसे कर सकते हैं अपनी फाइल, वो भी आपको पता रहेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हाँ, इस बैकअप टूल का आप यूज ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसको रिस्टोर करवा के दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए देखते रहिए बस ट्विटेक। धन्यवाद, जय हिंद।